नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम लोग साईं बाबा कॉलोनी में आए हुए हैं। यहाँ पर एक घर में बता रहे हैं कि कोबरा है, तो चलिए आइए देखते हैं कोबरा है कि नहीं है और रेस्क्यू भी करते हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा। कहाँ पर है साहब? अंदर है। कोई है घर के अंदर? नहीं। पे ये सांप रेस्क्यू हो गया है। ये स्पेक्टिकल कोबरा है और यहाँ लोकल में इसको गौहा और डोमी कलर के हिसाब से
नाम भी बदल दिया जाता है। तो अभी तो हम लोग सबसे यही कहना चाहेंगे कि जिनका भी घर आसपास खेत से लगा हुआ है या ग्रीन एरिया से लगा हुआ है, उनका अब सांप बाहर निकलेंगे तो सांपों से उनका सामना होता रहेगा। तो जो भी जिनका घर खाली है या जिनके घर के आसपास बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा है, लकड़ी इकट्ठा है या ईंट इकट्ठा है, तो प्लीज़ आप लोग पहले अपना विज़न क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही वहाँ हाथ डालिए, नहीं तो हादसा होने का एक कारण बन सकता है, क्योंकि सांप लोग अब गर्मी के दिनों में ठंडी जगह देख कर छिपेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सांप दिखता है तो प्लीज़ उसको मारिएगा मत, क्योंकि ये पर्यावरण के मित्र है और इनका जहर से हम लोगों की लाइफ सेविंग मेडिसिन बनती है। और अगर सांप के काटने पे अगर आपकी जान बचती है तो वो भी इनके जहर से ही एंटीवेनम बनता है। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेव द एनिमल्स, सेव रेप्टाइल। और जो कंडीशन चल रहा है अभी लॉकडाउन वाला, तो प्लीज़ अपने आसपास के जानवर, चाहे कुत्ते हो, चाहे गाय हो, चाहे थोड़ा बहुत जितना भी आपसे बन पड़े, आप अपने हिसाब से उनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे किसी रेप्टाइल की हेल्प करते हुए, किसी इंसान की हेल्प करते हुए। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद। और जो घर था वो इन्हीं का घर था, मेरे ही घर था। हाँ।